कांकेर जिले में चारामा ब्लॉक के जेपरा गांव में एक परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया गया है। गांव में एक परिवार के 12 लोग रहते हैं। उनके घर जाने और बात करने पर जुर्माने का फरमान जारी किया गया है। पीड़ित परिवार ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल जेपरा गांव के सिन्हा परिवार की गांव में एक पैतृक संपत्ति है। उस जमीन पर परिवार ने घर का निर्माण करवाया है। वही गांव के प्रमुखों का कहना है कि ये जमीन गांव के गुड़ी निर्माण के लिए है। इस बात पर गांव के प्रमुखों ने सिन्हा परिवार पर गांव की जमीन को हड़पने का आरोप लगाकर उनका हुक्का पानी बंद करवा दिया है। सिन्हा परिवार से बात करते हुए पाए जाने पर 15,000 रूपए जुर्माना तय किया गया है। वही यदि कोई उनसे बात करता है तो उसकी सूचना देने वाले को 5,000 रूपए इनाम घोषित किया गया है। मैं जेपरा की निवासी हूँ और गाँव में इस प्रकार का हम एक परिवार के लिए गांव वाले एक तरफा निर्णय लेके हमको हुक्का पानी बंद कर दिए हैं। और हमारे जो दुकान है वहाँ कोई आ जा नहीं रहा है, उससे हमारा जो रोजगार है वो सब बंद हो गया है। तो इस प्रकार से हमें हर तरह से जलील कर दिया जा रहा है गांव की तरफ से। मतलब सदस्य सभी परेशान है, कहीं भी जा रहे हैं तो कोई अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, तो उससे हम बहुत परेशान है। परिवार में 12 लोग हैं और 12 लोग को एक छुआछूत की भावना से देखा जा रहा है, वो हमको अच्छा नहीं लग रहा है। तो बस गांव वालों से निवेदन कर रहे हैं कि हम लोग को परिवार है, गांव में रहना है, आगे जो भी है तीज त्योहार है ये सब में आना जाना लगा रहेगा, तो वो सब के लिए हमको बहल करें और गांव में सम्मिलित करें। कार्रवाई ये है कि गांव वाले हमको भी गांव से मिला के रखें और सबको एक साथ लेके चले बस।